My name is Manmohan Singh. My YouTube channel is ns.blogs. Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे ब्लॉग में। जैसा कि आपने देखा हो, कल हम आए थे मेगा मेल कंपनी में, तो अभी उधर ही खड़े, देखिए ये कंपनी बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों क्या कहते हैं, अभी कॉल तो आया नहीं है सर का कि कंपनी के अंदर ले जानी है नहीं ले जानी, लेकिन क्या है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, वो रिसीविंग ले गए हैं और उसमें साइन भी कर दिया, बोले कि एंट्री 9:30 बजे होगी, तो 9:30 बजे के आसपास हो जाएगी। तो जी देखते कब बुला रहे तब तक। दोस्तों क्या है, चना उबाल ने हमने कल डाली थी, तो उनकी नाश्ता बनाते चलिए दोस्तों गाड़ी के अंदर। दोस्तों क्या कहते हैं, अभी उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा है, कांटे का फ़ोन कर दिया उन्होंने, वो कह रहे थे कि पीछे एक और कंपनी उन्हीं की मेगा मेल ही है, तो उसमें कांटा कराना है, इधर इसके अंदर कांटे का नहीं है। और क्या, हमने चना रख दिए थे, बना रहे थे, सिलेंडर भी निकाल लिया था, इतने वो करे कांटा करा के लाओ, तो कांटा होने के बाद बनाएंगे चना। ठीक है, तो दोस्तों क्या कहते हैं, हम लोग कांटा करा के आ गए हैं और हमने बना प्याज मसाला काटना कर दिया चालू, और इंजीनियर आ गए, माल चेक कर रहे हैं कितना, मतलब जो भी कर रहे हो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये चेक हो रहा है, आइटम चेक कर रहे हैं, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना काम पे ध्यान रखते हैं। तो तेल हमारा आ चुका है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। चलो जीरा आ गया, और इसमें जाएगी अभी प्याज। ये प्याज आ गई, ये प्याज आ गई, इसमें प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अभी इसमें डाल देंगे मिर्ची, लो टमाटर थोड़ी देर में डब्बा में डालेंगे। आज अलग तरीके से बना रहे, उबाले नहीं है चने, और आज तो थोड़ी मिर्ची प्याज भून के उसमें चने डालेंगे, चने को भी थोड़ा तल के बनाते हैं, तभी नाश्ता थोड़ा अलग टाइप का होगा। दोस्तों अब इसमें डालेंगे चने, क्योंकि प्याज हमारा तल चुका है, अब इसमें चने डालेंगे। ओ ओ भाई, आज देखा करिए हमारी गिर गई होती। दोस्तों बहुत लापरवाह हो गया ये, पहले मैं तो आपको ये मान लो बस ड्राइवर है, बस गाड़ी आगे आगे चलाना आते, पीछे तो आती नहीं है। तो दोस्तों अभी नमक मिर्ची और डाल लेते हैं इसके बाद में थोड़ा घुमाएंगे। थोड़ी सी मिर्ची डाल ली, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, तो दोनों चीजें आ चुकी हैं, अब इनको थोड़ा घुमा लेते हैं अच्छे से। टमाटर अगर टमाटर भूजना है तो कभी कच्चे डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे चने फ्राई होने लगे हैं, और क्या है, मसाला ज़्यादा हो गया तो लग रहा है, लेकिन खैर अभी जब ये बन जाएंगे इसके बाद फिर ऊपर से टमाटर डाल लेंगे, फिर नमकीन मिलाएंगे। हमारे कुछ चने ऐसे बने, ये देखिए भूज गए हैं, मतलब उबाले नहीं थे लेकिन भूज लिए हैं, पानी में डाल के रख दिए थे कल रात में, और सुबह भूज लिए इनको, बस टमाटर मिला दिए, अब क्या नमकीन मिलाएंगे, तो पहले थाली में कर लूँगा मैं, अपनी थाली में करो। और ये क्या है, एक ही थाली में कर, थाली में मिर्च लगी हुई है, एक ही थाली में कर लेंगे और फिर अलग अलग कर लेंगे। दोस्तों अब नमकीन डाल लेते हैं इसमें, लो पूरी भर भर के नमकीन डाल रहे हैं भाई, लो। चलिए अब टेस्ट करेंगे, खा के बताएंगे कैसे बने हुए हैं। दोस्तों अब क्या टेस्ट करूंगा मैं कैसे बने हुए हैं, देखिए नमकीन भी डाली है, अच्छा लग रहा है, चने भुजे नमकीन भी डाली है, सब कुछ डाल दिया है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया।
सुबह सुबह अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन हमने नाश्ता किया है, थोड़ा लेट हो गया है नाश्ता, 7 बजे कर लेते थे, 1 घंटा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए खाते हैं। तो गाड़ी हमारे पीछे खड़ी है, मैं पहले इधर गया इस गेट पर गया, फिर दूसरा एक और गेट था उधर गया, उधर सील ठुकवा के लाया, अब ये कह रहे हैं कि उधर जाना है दूसरे गेट पर, उधर गाड़ी खाली होगा, अभी कोई नहीं, उन्होंने बोला ऋषिकेश बंद है वो गाड़ी खाली करेगा, चले देखते हैं। तो कहा है गाड़ी तो 2-3 घंटे बाद ही लोड होगा, उन्होंने बता दिए, बोल दिया, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दी थी, फिर भी कह रहे हैं कि इंजीनियर आएंगे वो अनलोड कराएंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है। तो मैंने कहा तब तक आगे देखा तो कुछ मिल जाए, क्योंकि प्याज हो जाएगी ख़त्म, और कुछ देखते हैं कुछ होगा, जूस वूस पी लेंगे। तो दोस्तों हमारा बुलावा आ गया, गाड़ी अब अनलोडिंग होगी, तो गेट खुल गए कंपनी की, देखिए अब गाड़ी बैक में उधर लगा देंगे, ठीक है। दोस्तों क्या कहते हैं, गाड़ी तो हमारे अंदर आ गई कंपनी के अंदर, देख सकते हैं आप, वो खड़ी है गाड़ी, अभी वो क्या है जो बिग बड़ी मशीन है ना, क्रेन है, उससे अनलोड होगी, तो थोड़ा और काम चल रहा है इसलिए, और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, क्योंकि धूप पड़ रही है बहुत ही, इसलिए ऐसा लग रहा है, मैं क्या छाँव में हूँ, और यहाँ का मैं दिखाता हूँ मटेरियल, ये देखिए भाई कैसा मटेरियल पड़ा है, ये देखिए पता नहीं क्या क्या आइटम है, और वो देखिए हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है, साल्स की बहुत बड़ी कंपनी है मेगा मेल, देखिए दो क्रेन लगी हैं बड़ी हुई, इधर गाड़ी अनलोड हो गई अभी हमारी, अनलोड होगी तब तक, ठीक है, देखते हैं कितनी देर लगती है अनलोड होने में, फिर आप जब अनलोड हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा क्या, मतलब अनलोड होगी ना तब दिखाऊंगा कैसे अनलोड होती है, जो क्रेन है ना उससे उठेगी, रोडे रखी है ना हमारी गाड़ी, वो क्रेन से उठेंगी। क्या कहते हैं गाड़ी तो हमारी अभी क्या कहते हैं खाली नहीं हुई, लग तो गई है कंपनी के अंदर, तो कंपनी वाले बोला कि खाना खाया, उनको तो क्या है कंपनी की तरफ से खाना रहता है मेगा मेल का, मेगा मेल क्या है साउथ की बहुत बड़ी कंपनी है, ये क्या है डैम वगैरह पाइप जो भी काम होता है ना बड़ा बड़ा, सारे काम यही करती है मतलब, तो इसकी ये कंपनी है, मैन्युफैक्चर इधर हो रही थी, पाइप वगैरह बन रहे थे लोहे के, तो उन्होंने आगे बताया था खाने का, तो चल दिया आगे, चलो बहुत ज़्यादा धूप तो मैंने बांध रखी है पूरी तौलिया, बड़ी वाली तौलिया बांध रखी है, चलो आगे चलते हैं देखते क्या क्या खाने में मिलता है। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, ये सादा खाना लग चुका है, ये चटनी है बटेर की सब्जी है, ये थोड़ा गाजर का बनाया हुआ पता नहीं क्या सलास्ता दिया है, ये दाल रखी है, ये कोला भी दी है मेरे को, और छोटे ने लगवाया था चिकन, छोटे का चिकन लग चुका है, ये तो खाने में जुड़ भी चुका है, देखो क्या हाथ से खाना पड़ा है, चम्मच मिलता नहीं है ना घर, क्या दिक्कत है हाथ से ही खाते हैं सब लोग, चम्मच भी तो हाथ से ही पकड़ना पड़ता है भाई, ओए पोला रख दे इधर बोल, मैंने क्या खाना बढ़िया है, ठीक है मतलब एवरेज है, इतना खास भी नहीं ज़्यादा, ठीक है पर पेट भरने के लिए बढ़िया। क्या कहते हैं खाना तो हमने खा लिया है, हमारी 160 रुपये चले गए वेस्ट, क्योंकि क्या कहते हैं खाना अच्छा नहीं था, और क्या कहते अच्छा क्या पता नहीं कैसे कैसे ये लोग पता नहीं आंध्रा के क्या दे रहे थे, चावल रोटी रोटी थी ही नहीं, हमने सोचा रोटी मिलेगी, और क्या कहते हैं अब ठीक है अब होटल भी खाया करेंगे, अब इधर आंध्रा में लोकल ढाबा पर नहीं खाया करेंगे, ये क्या लोकल ढाबा था आंध्रा का छोटा सा, तो ठीक है दोस्तों चलिए अब देखते हैं गाड़ी कितनी खाली हो गई है, हुई है नहीं हुई, चलो तो क्या कहते हैं देखिए हम कंपनी में आ चुके हैं, और क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ छाँव में बैठ गए हैं, ये देखिए पूरा हर तरफ लोहा है, लोहा बहुत गर्म हो रहा है हर तरफ लोहा है, यहाँ देखो कहाँ लोहा है देखिए, तो अभी गाड़ी खाली नहीं, लंच टाइम हो गया था, अब क्या है 1:30 बजे तो अब लोग आएंगे और गाड़ी को खाली करेंगे, ठीक है। गाड़ी हमारा आधा खाली हो गया आधा रह गया, और क्या है बीच में चार्ज टाइम हो गया था, देखिए उधर चार्ज बैटरी होगी शायद वो चला गया, वो देखो उधर भीड़ लगी चार्ज बैटरी थी, तो दो चार्ज उन्होंने दी हमें मेगा मेल कंपनी ने, चलिए पीते हैं कैसी लग रही है, मुझे तो हर चीज़ टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया एक नंबर, चलो ठीक है। दोस्तों क्या कहते उधर तो हमारी गाड़ी खाली हो गई थी, तो अब क्या है मतलब दूसरी जगह पे अनलोडिंग होने के लिए मतलब सॉरी लोड होने के लिए आई है, तो देखिए ये दूसरी जगह मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरी जगह लोड हो गया है, उधर ही कम से कम उधर ही 500 मीटर के पास दूसरा कोई कंपनी थी, कंपनी क्या पता नहीं क्या यार्ड है वगैरह, तो क्या इधर देखिए ये लोड हुआ है इधर, तो क्या है मॉल डिस हो गया था इस चक्कर में मैंने चार्ज लगा दिया, तो ये लोड हो गया है, अब इसमें वेल्डिंग और होगी मतलब बगल में जैसे ये इस तरफ इसके ना फिर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या है चैन मानते मानते हमारे क्या प्यारे कपड़े गंदे हो गए थे, तो इसने तो धो लिए हैं और मैंने भी धो लिया इसने, ठीक है देखिए वेल्डिंग हो रही है बस फिर यहाँ से निकल जाएंगे, चैन वैन सब टाइट हो गई है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए अगर खड़ी है BMW, ये देखो मालिक की होगी शायद, हमारा मालिक नहीं किसी और का,
इस कंपनी का होगा। तो दोस्तों क्या कहते हैं, गाड़ी तो लोड हो गई, अब क्या वेल्डिंग हो रही। तो वेल्डिंग में क्या होता है, या फिर बैटरी निकालो अपनी, बैटरी के वायर निकालो, बैटरी रखी हमारी सीट के अंदर, तो क्या पूरा सामान उठाना पड़ेगा, या फिर गाड़ी स्टार्ट कर लो। तो क्या मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, ये देखिए लाइट फाइट जल रही है ना सब कुछ। तो क्या है, ये BS4 गाड़ी है, तो इसमें क्या होता है 4 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाएगी, इसलिए मुझे इधर बैठना पड़ा, बार बार एक्सीलेटर पर पैर देना पड़ेगा जिससे गाड़ी बंद ना हो। मतलब चार मिनट क्या कहते हैं, 4 मिनट से पहले मुझे एक्सीलेटर पैर देगा तो फिर 4 मिनट के लिए बढ़ जाएगी, 4 मिनट के लिए मतलब स्टार्ट फिर रहेगी। तो ऐसा ऐसा करके मतलब जब तक बेल्डिंग नहीं, तो मुझे स्टार्ट रखनी गाड़ी, बस इसलिए ही मैं इधर बैठा हूँ गाड़ी पे। तो शाम के बज चुके हैं 8 और अब फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ से निकल रही, गाड़ी यहाँ से निकल रही है, गेट खुल चुके हैं, गाड़ी अब यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, गाड़ी कंपनी के बाहर आ चुकी है, कंपनी के लग चुके हैं गेट, अब यहाँ से काटा करा के निकल जाएंगे कर्नाटका को। कर्नाटका में कौन सी जगह है वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए कितना बड़ा लोड है, देखिए दोस्तों चले, होगी बढ़ गई वो गाड़ी, क्या है मुड़ नहीं पाई थी ना उस गाड़ी को, आगे बढ़वा रहे हैं। निकल ले निकल ले ले, देखिए वायर देखना पड़ रहा है, चलिए। तो दोस्तों हमारी गाड़ी फाइनली लोड हो चुकी है, अभी हम कांटा करा के लाए थे, तो एक गाड़ी हमारी तो गाड़ी ये खड़ी है, एक गाड़ी उधर खड़ी है, तो अंधेरे में खड़ी है। तो अभी क्या है, नो एंट्री लगी है, हम यहाँ से निकलेंगे करीब 10 बजे, और हमको जाना है गैरेज, यहाँ से पहले गैरेज जाना है क्योंकि गैरेज पे थोड़ा काम है, वहाँ से निकलेंगे कल। तो चलिए दोस्तों फिर निकलेंगे तो बताएंगे कब निकलते हैं। तो दोस्तों और क्या कहते हैं, गाड़ी हमारा लोड हुआ था, तो क्या कहते हैं हमने काटा कराया था, तो पहले वाले काटे के पैसे तो हमने दे दिए थे कैश, एक जो दूसरा काटे के थे ना, और दूसरी गाड़ी के भी और हमारे गाड़ी के पैसे क्या कहते हैं, पैसे हमने खुद दिए, 2700 रुपये फ़ोनपे किए थे, तो वो पेंडिंग हो गया, वो तो बिल्टी दे नहीं रहा था हमको, तो बिल्टी दे नहीं रहा, तो हमने क्या सर को फ़ोन किया, सर हमने कहा सर ऐसे पेंडिंग चला गया पैसे, और अब उस पर जाएंगे तो हमें वापस करेगा नहीं करेगा, सर ने 700 रुपये सर ने पेमेंट कर दिए, ठीक है। अब क्या है, हमारा पैसे पेंडिंग चले गए, अब उस पर चले गए तो वो वापस करेगा नहीं करेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, 700 रुपये का नुकसान हो जाएगा, और हम पे फेल्ड हो गए, हम पे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर हमारे पैसे बच जाएंगे। अब देखो नंबर ले लिया उसका, सर का भी ले लिया है, देखते हैं अगर उस पर जाएगा वो वापस करेगा नहीं करेगा, बताएंगे हम आपको, ठीक है दोस्तों। अभी नोटी खिल जाएगा तब गाड़ी यहाँ से ले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ से निकल दिए, यहाँ से हम लोगों ने, और वो गाड़ी यहाँ हमारे आगे चली जो हमारे साथ में, वो भी सेम जगह पर आएगी कर्नाटका, उधर ही अनलोड होना है दोनों गाड़ी को, ठीक है दोस्तों। और ये रोड पर क्या दच के यहाँ लग रहे हैं, क्या है ये स्ट्रक्चर से बनी हुई है ना, जो ईंटें होती हैं सीमेंट की, इससे बनी हुई है। दोस्तों फाइनली हम उधर से निकल के रिंग रोड पे खड़े हुए हैं, और हम इधर ही सो जाएंगे क्योंकि अभी हमको जाना तो है नहीं, कल सुबह ही निकलेंगे, 8-9 बजे निकलेंगे, डीजल भी भराना है, सर ने बोला उधर ही ऊपर ही रुक जाना, नाइट में तो कोई दिक्कत नहीं आती, दिन में गाड़ा ही खड़ा नहीं कर सकते यहाँ पे रिंग रोड पे, नाइट में तो खड़ा कर सकते हैं, 3-4 बजे निकल लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों ठीक है फिर आज यही सो जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं।